भारत में पहली बार किसी पार्टी के द्वारा किसी पार्टी का बड़ा लीडर 3500 किलोमीटर की पद यात्रा पर निकला है, जिस यात्रा का नाम भारत जोड़ो यात्रा है। मुझे महिलाओं की ज्यादा संख्या दिख गई तो मैं सोचा आप लोगों से बात हो जाए। क्या नाम है आपका? करिश्मा ठाकुर। कौन सा पद ली है आप कांग्रेस पार्टी से? मैं महिला कांग्रेस बुंदेलखंड जोन की प्रदेश अध्यक्ष। अभी मैं इस भारत जोड़ो यात्रा में देखा यहाँ महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा देखी गई। क्या लगता है भारत जोड़ो यात्रा से कितनी मजबूत बनेगी कांग्रेस पार्टी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है राहुल जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो नफरत को हटाने की और एक दूसरे में आपसी भाईचारा बढ़ाने की यात्रा है। आज हिंदुस्तान की महिलाएं हो, नौजवान हो, हर कोई राहुल जी की तरफ बड़ी ही उम्मीद से देख रहा है, क्योंकि आज महिलाएं त्रस्त हैं, परेशान हैं। चाहे महंगाई हो, चाहे बलात्कार हो, चाहे क्राइम हो, मर्डर हो, हर जगह महिलाओं के साथ जो हत्या, जो बलात्कार होते हैं, मोदी सरकार उस पर चुप बैठती है। कोई आवाज उठा रहा है तो प्रियंका जी उठा रही है, कोई आवाज उठा रहा है तो राहुल जी उठा रहे हैं। आज देश का युवा बेरोजगारी से जूझ रहा है, राहुल गांधी जी जो यात्रा कर रहे हैं बेरोजगारी के खिलाफ कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में राहुल जी आए हैं, इससे योगी जी और मोदी जी दोनों ही काम उठे। उत्तर प्रदेश में हम लोग हैं, उत्तर प्रदेश में बोला जाता है कि राम राज चल रहा है, क्या स्थिति है आपकी जो जिस एरिया से आप बिलोंग करते हैं? देखिए, आए दिन आप तो खुद ही पत्रकार हैं, मीडिया से हैं, अखबार खोलिए तो बेटियों के साथ बलात्कार, कहीं लूट, कहीं हत्या। मुझे लगता है राम राज नहीं, ये जंगल राज चल रहा है और राम राज स्थापित करने के लिए राहुल गांधी जी राम के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। आम जनता की जब बात हो और महंगाई की न बात हो तो ये गलत होगा। महंगाई के इस दौर में क्या स्थिति है आम पब्लिक की? लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। आज गैस सिलेंडर के दाम देख लीजिए, पेट्रोल डीजल के दाम देख लीजिए, खाने की वस्तुओं के दाम देख लीजिए। आज मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो, हर कोई त्रस्त है। मोदी और योगी सिर्फ और सिर्फ अंबानी और अदानी के घरों को भरने का काम कर रहे हैं और गरीब आदमी को पीड़ित कर रहे हैं। राहुल गांधी एक ऐसा नाम जिस परिवार से कई लोगों ने इस देश को सजाने संवारने के लिए अपनी जान भी दी है, क्या लग रहा है जो ये जन जन से मिलना हो रहा है राहुल गांधी जी का, इससे 2024 में कुछ लाभ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। 2024 में केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी और राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि सिर्फ ये यात्रा कांग्रेसियों की यात्रा नहीं है, ये जन जन की यात्रा बन चुकी है। ये यात्रा जो है ये जनता के दिलों में जा चुकी है और जो आम जनमानस है, इस देश की बेटियां हैं, इस देश के बेटे हैं, वो लोग किसान हैं, मजदूर हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, हर कोई राहुल गांधी जी की आवाज़ के साथ जुड़ने लगा है और अब परिवर्तन भी शुरू हो गया। एक लास्ट सवाल आपसे, जब भारतीय जनता पार्टी की जब कांग्रेस की सरकार होती थी और 300-400 रुपये सिलेंडर होते थे तब लोग सड़क पर उतर कर प्रदर्शन करते थे, आज क्या कारण है कि 1100-1200 रुपये में सिलेंडर मिलता है और विपक्ष के लोग आवाज़ नहीं उठा पाते? मुझे लगता है विपक्ष के लोग आवाज़ उठा रहे हैं। राहुल गांधी जी ने महंगाई के विरोध में इतनी बड़ी यात्रा कर दी है, ये तो बड़े पत्रकारों और बड़े मीडिया चैनल्स का काम है कि इस यात्रा को दिखाएं, लोग जो विरोध करते हैं, जो सड़क पर आंदोलन करते हैं, उसको दिखाया जाए। ये मीडिया बंधुओं से हमारा अनुरोध है कि इन प्रदर्शनों को दिखाएं और लोगों तक पहुंचाएं। ये जो महिलाएं दिख रही हैं यही लोकल की हैं या दूर से आई हैं? दूर से भी आई हैं, पूरे प्रदेश से यहाँ पर महिलाएं आई हैं। मैं खुद बुंदेलखंड जोन की अध्यक्ष हूँ, कानपुर मेरा घर है, मैं कानपुर से यहाँ पर आई हुई हूँ और हमको लगता है सिर्फ उत्तर प्रदेश से नहीं, पूरे देश से महिलाएं युवा बड़ी संख्या में राहुल जी के साथ जुड़ रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि राहुल गांधी जी के इस यात्रा में भीड़ नहीं दिखती है, उनको इस वीडियो को देखना चाहिए और खास तौर से इन महिलाओं को देखना चाहिए जो एक बड़े संख्या में राहुल जी के कार्यक्रम में पहुंचने का काम की हैं। अभी थोड़ी देर में यहां राहुल गांधी जी का आगमन होगा, उन्हीं के इंतजार में ये सारे लोग खड़े हैं। मैं अगले किसी वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।